बातचीत की बातें करते करते चीन ने बड़ा धोखा देना शुरू कर दिया है भारत को, और इसका खुलासा भी हो गया है। यानी सैटेलाइट से इमेजेस सामने आ गई हैं, और जैसे ये इमेज सामने आई वैसे ही राहुल गांधी भी कुछ ऐसी बात कह बैठे कि फिर जनता भी चुप नहीं रही। आइए दिखाते हैं आखिरकार कैसे चीन ने धोखा दिया, कैसे राहुल गांधी ने चीन के मुद्दे पर बोल दिया, और जनता इस मुद्दे पर अब क्या कह रही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस शानदार खबर की। नमस्कार, स्वागत है आपका हेडलाइंस इंडिया पर, मैं हूं नवीन चौहान। इन दिनों भारत और चीन के बीच तनाव की स्थिति है, ऐसे में सैटेलाइट से मिली तस्वीरों ने चीन का दोहरा चरित्र सामने लाकर रख दिया है। एक और चीन के एम्बेसडर सन वेंडोंग ने कहा कि ड्रैगन और हाथी एक साथ डांस कर सकते हैं, और दूसरी तरफ सैटेलाइट की तस्वीरें देखी जा सकती हैं जो दिखाती हैं कि चीन ने लद्दाख वॉर मॉडल को हेलन शन इलाके में सीक्रेट किया था ताकि इसके अच्छे से स्टडी की जा सके और अपने सुरक्षा बलों को भविष्य के संभावित हमले के लिए प्रशिक्षित किया जा सके। इस इलाके में सुरक्षा बल, हेलीपैड, पावर प्लांट यूनिट, पीएलए कैंप और बड़े ट्रक देखे गए हैं। इससे चीन का दोहरा चरित्र उजागर हो गया है कि एक तरफ तो चीन शांति की बात करता है और दूसरी तरफ हमला करने की तैयारी कर रहा है। लेकिन इन सब के बीच राहुल गांधी भी इस मुद्दे पर सामने आ गए हैं। वैसे तो चीन के मुद्दे पर बोलते नहीं, और बोलते हैं तो आज क्या बोला खुद देखिए। चीन के साथ सीमा की स्थिति के बारे में सरकार की चुप्पी संकट के समय भारी अटकलों और अनिश्चितता को हवा दे रही है। भारत सरकार को साफ करना चाहिए और भारत को बताना चाहिए कि क्या हो रहा है। तो समझा जा सकता है कि सरकार से पूछ रहे हैं कि स्थिति साफ कीजिए, आखिरकार हो क्या रहा है। इससे पहले भी जब पत्रकारों ने राहुल गांधी से सवाल पूछा था तब भी वो कुछ ऐसी बात भूल गए थे। तो अब आपको दिखाते हैं कि जैसे ही राहुल ने सैटेलाइट इमेजेस आई उसके बाद चीन पर ट्वीट किया, और अब जनता सामने आ गई है। जनता जो कह रही है उस पर जरा एक नजर डाल लीजिए। नफीस अहमद कहते हैं, श्री पप्पू जी, क्योंकि हमारी सीमा पर चीन से कोई आक्रमण नहीं हुआ है, सभी चाइना इंडिया फेस ऑफ। ए, दौलत बेग ऑल्डी क्षेत्र के विकास के मार्ग को रोकें। बी, पीओके से भारतीय सेना का ध्यान हटाने के लिए पाकिस्तान की मदद करना। पाक ने इस गतिरोध के बाद पीओके में सेना स्थानांतरित कर दी है। नागुराज कहते हैं, सर चिल्लाना किसी नेता की अच्छी आदत नहीं है, हर चीज को सार्वजनिक नहीं किया जा सकता, विशेष रूप से विदेशी मामलों में इंतजार करो और देखो। सुरेश पांडे कहते हैं कि राहुल गांधी को भगवान ने अतिरिक्त बुद्धि दी है, आलू से सोना उगाने वाली। हमीर देसाई कहते हैं, तुमने पुलवामा वाले मामले पर एक भी ट्वीट नहीं किया, तुम हमेशा राष्ट्र के खिलाफ होते हो, अब दोबारा कांग्रेस नहीं आ सकती, जो भारत को आंख दिखाएगा उसे मोदी सरकार छोड़ेगी नहीं। विराज कहते हैं, तुम्हारे महान बाप दादा ने तो चीन और पाकिस्तान को भारत की जमीन ही दे दी थी, उस बारे में क्या कहोगे। अच्छा हुआ अब चीन लड़ रहा है, अब भारत अपनी जमीन वापस लेगा। तो देखा आपने, आखिरकार जनता ने बेबाकी से अपनी राय रखी और चीन के मुद्दे पर राहुल गांधी बोले सही, सरकार से पूछ रहे हैं स्थिति साफ कीजिए, लेकिन जनता ने उन्हें घेर लिया। आप इस वीडियो पर अपनी राय जरूर दीजिए, साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और हेडलाइंस इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। नमस्कार।